हेलो दिव्यम सज्जनों, गुड मॉर्निंग और स्वागत करता हूँ फिर से एक नए एडवेंचर में लिंगराज टेंपल भुवनेश्वर से। और जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम दोनों लोगों ने यहाँ पे कैंपिंग की, किस सिचुएशंस कैसा रहा कि जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हम लोग जहाँ पे स्टे किए थे लोकल स्टे, वो कॉट सर्फिंग का था। तो उनकी माता जी का सडनली देहांत हो गया, तो उस वजह से हम लोग को रिटर्न वापस बाहर आना पड़ा और यहाँ पे हम लोग कैंपिंग किए, फिर उसके बाद अपने रात बिताएं। और अब ये अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे, मैं अपने डेस्टिनेशन पे। मेरा आज क्या है कि मैं अब कटक जा रहा हूँ, कटक से मुझे घर जाना है वहाँ से। तो इस वजह से अभी समथिंग बजने वाले हैं 6, तो हम निकलते हैं और सब कुछ सेटअप वटअप का सामान करके हम अपनी राइड पर, ये अपनी राइड पर। तो हमारी मुलाकात यहीं तक रह सकी, शायद इन फ्यूचर फिर मिला जाएगा तो एक लंबी फिर गपशप होगी। तो काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ क्या बताएं, शब्दों से बयां नहीं हो पा रहे हैं हमारे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारी साइकिल, ये रही वो उनकी साइकिल, ये कैंपिंग है, पूरा सेट हो रहा है, कोई हेल्प करें। जैसा कि आप लोग पीछे पूरा देख सकते हैं, यहीं पर हम लोग रुके थे रात में, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अमेजिंग रहा, काफ़ी अच्छा लगा। और शायद मैं ट्राई करूँगा कि हर एक ऐसी रात हो, बहुत अमेजिंग रहा। हाँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि रात में हम लोग 12 बजे आके कैंपिंग तो 12 बजे हम लोग सोए, ये ऐसी रात ना रहे, लेकिन जो मिला एक्सपीरियंस मिला वो काफ़ी अमेजिंग था। तो ऐसी ही रात रहे तो वो काफ़ी बेटर रहेगा हम लोग के लिए। ऐसा है कि फर्स्ट टाइम मैं 1 आवर में 30 किलोमीटर की राइड कंप्लीट किया, और ये क्या है कि ये एक सोच के ऊपर डिपेंड है। जो लोग बोलते हैं कि नहीं हो पाएगा, वो गलत बात है। अगर आपने जो सोच लिया, समझ लीजिए वो हो गया, क्योंकि जो भी घटनाएं घटती हैं हमारी लाइफ में वो सोच के ऊपर डिपेंड रहता है। तो दैट्स द पावर ऑफ थिंकिंग, आप सोच की पावर को बढ़ाइए, बी पॉजिटिव रहिए हमेशा। और जैसा कि मैं फर्स्ट टाइम 30 किलोमीटर की राइड कंप्लीट किया, और मैं कटक में अब एंट्री कर लिया हूँ। भुवनेश्वर से निकलने के बाद ही थोड़ी बहुत ठंड बढ़ गई, लेकिन फिर भी कोई ना, ठंड नहीं लग रही है। राइड करते टाइम काफ़ी ज़्यादा फॉग है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फॉग है, ठंड है, बट कोई ना, अगर दिमाग में ठंड नहीं है तो कहीं ठंड नहीं है। सो गाइस, ऐसा कि अब हम पहुंच चुके हैं, ये मेरा डेस्टिनेशन आज का कंप्लीट हुआ, लेकिन वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वीडियो कंटिन्यू रहेगा, बने रहिएगा। और अभी हम आ गए हैं, और पीछे वो दादा जो आए हैं हमें रिसीव करने के लिए, हम अपनी साइकिल खड़ी करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। सो गाइस, ये रहा आज का हमारा लंच, काफ़ी अमेजिंग रहा, आप क्या बताएं, जहाँ पे रुका हूँ इतना सपोर्ट, इतना हेल्प, अब भाई वो अनबिलीवेबल, शब्दों में बयान नहीं हो पा रहा है कि उन लोगों का मैं कैसे थैंक यू, शुक्रिया अदा करूँ। तो ठीक है, आज का ये है कि हमें यहीं पे ये खा के हमें निकलना है, और हमें आगे की राइड को राइड नहीं करना है अब आगे, और हमें निकलना है घर के लिए कुछ ज़रूरी काम की वजह से, शादी भी है सिस्टर का, और उसके बाद और कुछ हमारे काम है, फिर उसके बाद एक हफ्ते में मैं रिटर्न होके यहाँ पे आ जाऊँगा। तो सो गाइस, अब हम कटक रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे ये हमारी 12:50 से ट्रेन है, और यहाँ से हम चलेंगे, और फिर उसके बाद जर्नी थोड़ा कुछ होल्ड है मेरा कुछ टाइम के लिए, बट ज़्यादा नहीं, समथिंग वन वीक से ज़्यादा नहीं होगा, मैं अपनी राइड को स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं कटक का पूरा सीन दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं। ये रहा कटक का रेलवे स्टेशन, उधर से मैं आ रहा हूँ, और
ये रहा कटक रेलवे स्टेशन, काफ़ी अमेजिंग, बहुत ही शानदार, क्लीन सब कुछ है। काफ़ी बड़ा स्टेशन नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग है। सो गाइस प्लीज कीप द स्टेशंस क्लीन। ये रहा बहुत ही अमेजिंग, वंडरफुल, जितना हो सके उतना कह लीजिए, बहुत ही अमेजिंग। मेरा ये लगेज आ गया और एक आ रहा है आ गया, कमिंग बैक। काफ़ी बड़ा स्टेशन नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ही खूबसूरत है, काफ़ी क्लीनिंग है ये स्टेशन, बहुत अच्छा लगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, आज हम आए हैं यहाँ पे मार्केट में चाउमीन खाने के लिए। तो यहाँ पे चाउमीन बनने का प्रोसेस पूरा चल रहा है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। जीनोमोटो, अबे देखा, ये लहसुन है और ये जीनोमोटो है और वो नमक है भाई, वो काली मिर्च है और ये काली मिर्च है। ये क्या है? ये विनीगर बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं लगभग आधा प्रोसेस, आधा नहीं पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। यहाँ का ये मतलब सबसे फेमस चाउमीन है, काफ़ी अमेजिंग बनाते हैं ये। और यहाँ का सबसे मतलब फेमस दुकान भी है, भाई को मतलब बहुत पहले से ही मैं जानता हूँ, इसलिए इस वजह से मैं यहाँ पे आया। और वास्तव में पहले से भी मैं खा चुका हूँ, बहुत अमेजिंग बनता है। और अभी ये पैक करेंगे भैया। और भाई बहुत डर रहा है कि नहीं जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई, टेंशन ना लो कि नहीं आप यूट्यूब पे चढ़ा दोगे या इधर उधर, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। जैसे कि आप लोग भी देखे होंगे कि यूट्यूब पे मतलब सर्च करने पे कि चाउमीन कैसे बनता है ऐसे वैसे, तो बहुत लोग आते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना हुआ कि सभी लोग जेल चले जा रहे हैं। क्यों भाई?